था वहां अल्लाह का पैगाम सुनाने जा रहा है, तो आप सारे इसकी नियत करो। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज को अपने वक्त पे अदा करो, कमरों में ना बैठे रहो। हाँ, क्लास क्लास चल रही है तो थोड़ा सा आगे पीछे कर लो, कजा होने लगे तो क्लास भी छोड़ दो, फिर क्लास ना पकड़ो, फिर नमाज पकड़ो। नमाज नहीं छोड़ सकती, क्लास छोड़ सकती है, लेक्चर छोड़ सकता है, नमाज नहीं छोड़ सकता। कुरान अपने कमरों में रखो, तुम्हारे हॉस्टलों में गाने की आवाज ना आए, तिलावत की आवाज। अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेगा, मेरे वो बंदे कहाँ हैं जो दुनिया में गाना नहीं सुनते थे, आज मैं उनको जन्नत का गाना सुनाऊंगा। अब तुम्हारी मर्जी है, यहाँ के तबले सरंगियां सुन लो या अल्लाह की जन्नत का गीत सुन। तो वो लोग खड़े होंगे, वो मर्द औरत खड़े होंगे जो दुनिया में म्यूजिक नहीं सुनते थे, सिर्फ वही खड़े होंगे, सिर्फ उनको ये दौलत मिलेगी, बाकियों को नहीं। तो अल्लाह ताला जन्नत की हूरों से कहेगा इन्हें सुनाओ। तो मुझे जुनैद जमशेद ने बताया कि हमारा हम जो सॉन्ग बनाते थे वो 3.5 मिनट का बनाते थे। एक गाना एक महीने में, एक हफ्ते में, 15 दिन में 10 दिन में तैयार होता था, 3.5 मिनट का। मैंने कहा इतना छोटा क्यों बनाते थे? कहा इससे लंबा हो तो लोग बोर हो जाते हैं, सुनते नहीं। चलो 3.5। मैंने कहा जन्नत का जो सबसे छोटा गीत अल्लाह सुनाएगा वो 70 साल का होगा। 70 साल जो जहां बैठा बस वहीं बैठा रहे। एक तरफ औरतों को बिठाया गया, एक तरफ मर्दों को बिठाया गया। हाँ भाई, वो मर्द औरत कौन है जो लाहौर में गाना नहीं सुनते थे? आज हम उनको जन्नत का गीत सुनाएंगे। तो वही नसीब वाले उठ सकेंगे जिन्होंने यहाँ अपने कानों को बचाया होगा। तो वो अल्लाह ताला जन्नत की हूर से कहेगा गाओ, तो जन्नत की हूरों की आवाज होगी और जन्नत सास बन जाएगी, सारी जन्नत सास बन जाएगी और हवा मौसीकार बन जाएगी। हवा उनको धुन देगी, उस धुन पर सारे दरख्तों के पत्ते बजेंगे और उस धुन के साथ जन्नत की औरतों का गीत होगा। 70 बरस एक गीत चलता रहेगा और उसका मजा लोग लेते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कैसा है? कहेंगे बहुत अच्छा है। तो अल्लाह फरमाएंगे अब तुम्हें इससे अच्छा सुनो? कहेंगे अल्लाह इससे अच्छा भी कोई है? कहाँ है? तो आप कहेंगे ऐ दाऊद आओ और बैठो और आज तुम मेरे बंदों को मेरी अजमत के गीत सुना। तो कहेंगे या अल्लाह मेरी आवाज तो दुनिया में थी अच्छी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की दुनिया में ऐसी आवाज थी, जब वो जबूर पढ़ते थे तो ये इस हाल में पहाड़ हिलते थे, ऐसे ऐसे पहाड़ पहाड़ ऐसे हिलने लग जाते थे आवाज में, ऐसे अल्लाह ने कशिश करी थी। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मैंने तेरी आवाज वापस कर दी और जन्नत में मजीद बढ़ा दी है। तो जब दाऊद अलैहिस्सलाम सुर उठाएंगे और जन्नत साज बनेगी तो जन्नत वालों को जन्नत भी भूल जाएगी, उसमें गुम हो जाएंगे, आवाज में एक ताकत है। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कैसा है? कहेंगे बहुत अच्छा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अब मैं तुम्हें इससे अच्छा सुनाऊं? कहेंगे या अल्लाह इससे अच्छा भी है? हाँ इससे अच्छा भी है। या हबीबी या मोहम्मद, ए मेरे हबीब, ए मोहम्मद, तआला इरकल मिंबर, आओ मिंबर पे बैठो, सुनाओ इन्हें। अब जन्नत का साज, मेरे महबूब की आवाज, ये साज वो आवाज, ये मिलकर जन्नत क्या अपना आप ही भूल जाएंगे। फिर अल्लाह ताला आपकी आवाज मन फरमाएंगे, फिर कहेंगे कैसी? कहेंगे जबरदस्त। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे इससे अच्छा सुनाओ? इससे अच्छा भी कोई हो सकता है? कहाँ, इससे अच्छा तुम्हारा रब है जो तुम्हें खुद सुनाएगा। तो अल्लाह कहेंगे अब मेरी बारी, अब मैं सुनाऊंगा। ये सिला है तबले सरंगी से कान बचाने का, आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। अब अल्लाह को सांस की जरूरत नहीं, जन्नत खुद खामोश हो जाएगी। और अल्लाह ताला फरमाएंगे जन्नत के फरिश्ते से पर्दे हटा दे, रिजवान पर्दे हटा दे, मेरे बंदे बंदियां मेरा दीदार भी करें, मेरा कलाम भी सुने। तो कायनात की अफजल तरीन, जन्नत की अफजल तरीन शय है अल्लाह का दीदार। तो ऐसे पर्दे उठेंगे और अल्लाह सामने आए। और मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह हर हर शरीक मजलिस का नाम लेकर उसका हाल पूछेगा, उसकी कैफियत पूछेगा और उससे ये पूछेगा खुश तो हो, राजी तो हो, खुश हो ना, राजी हो ना, कोई कमी तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं। फिर अल्लाह ताला क्या करेगा? फिर अल्लाह कुरान सुनाएगा।
उस आवाज पर फिर जन्नत भी दम बखुद, पानी भी दम बखुद, मर्द भी दम बखुद, औरतें भी दम बखुद, सब उसी में गुम हो जाएंगे। और उस वक्त सिर्फ कानों से आप नहीं सुनेंगे, जिस्म का हर हर रोंगटा कान बन जाएगा और उससे आवाज अंदर जाएगी। अगर मौत मर ना गई होती तो अल्लाह की आवाज सबके कलेजे फाड़ देती, मौत मर गई। तो ये सिला है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में के हॉस्टलों में म्यूजिक ना बज रहा हो, कुरान चल रहा हो। जो कौम हलाक होती है वो आखिरत में ताउस और रुबाब पर आती है। अल्लाह ताला के